और पहला रेट बजरंग गधा की तरफ से जैसे नंबर 6 दीपक भाई, ये खिलाड़ी सा जूनियर नेशनल में गोल्ड मारा और ये एक पॉइंट निकाला भाई। पहला रेट पॉइंट बहुत जबरदस्त, बहुत सुंदर दीपक। और यहाँ पे 7 नंबर के जैसे में खिलाड़ी विशाल, यूपी के खिलाड़ी है, 7 नंबर जैसे के खिलाड़ी विशाल रेड करते हुए बजरंग योद्धा के कोर्ट में और बोनस लेने का प्रयास। खाता खोल सकते हैं और दोनों तरफ से खाता खुल चुका है। अब बैलेंस किसका बनता है वो देखना बाकी है, बैलेंस किसका बनता है वो देखना बाकी है। जिसके पास ज्यादा बैलेंस रहेगा वही जीतेगा। और ये बहुत बढ़िया जंप का प्रयास, लेकिन पकड़ लिए गए रमाकांत। कसमकस मुकाबला फाइनल का तो देखना ना भूले और दर्शक ताली बजाए, ये फाइनल मुकाबला है, इसके बाद कोई मुकाबला नहीं होगा। और बहुत जबरदस्त रेडर हर एक बार आता है और अपने टीम के लिए पॉइंट लेके जाता है। और ये इस बार पकड़ लिए गए बजरंग योद्धा की तरफ से ये फाइनल मुकाबला। और फिर से रेडर सोनू बजरंग योद्धा का, यह योद्धा आज अपने टीम के लिए क्या योद्धा बन पाएंगे। छोटा हाइट बड़ा फाइट, अंतिम 10 सेकेंड। अरे कैच कर लिए गए विशाल के द्वारा और सपोर्ट आया। और फिर से यह खिलाड़ी का नाम तो पता नहीं है लेकिन चेहरा से पहचान हो चुका है इस ग्राउंड में। इस खिलाड़ी का नाम तो पता नहीं है लेकिन चेहरा से पहचान हो चुका है। और फिर से दीपक रेड में चले, दीपक भाई पहला रेड किए थे, पहला रेड पॉइंट निकाले थे। और ये क्या चैन टैकल रोहित के द्वारा, रोहित भी खिलाड़ी, इन्हें परखना चाहिए दीपक को की करने का प्रयास। फिर से विशाल 7 नंबर के जर्सी में और टाइम लगाया भाई, बहुत बढ़िया टाइम। और फिर से दीपक रोहित के सामने, दीपक क्या रोहित जीतेगा या दीपक भाई। और बनारस बनारस की आवाज में बोल रहे हैं, ओहो ये क्या टच पॉइंट लाए हैं भाई, ये डिसीजन बहुत बढ़िया दिया है रेफरी। और फिर से चला, फिर से यह रेडर बजरंग योद्धा की कोर्ट में और देखना है कि क्या ये पॉइंट ले जाते हैं या फिर पॉइंट देते हैं। वाह 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 इस खेत है, हमें लगता है कि यह खिलाड़ी कुछ न कुछ अजूबा करेगा लास्ट होते होते। फिर से लेफ्ट कॉर्नर पर नीतिन, अग्रेसिव खिलाड़ी है, हालांकि कैच भी बनाते हैं बहुत जबरदस्त। और ये रोहित बहुत जबरदस्त मारे हैं भाई, ताली जोरदार ताली इनके लिए, मनोबल बढ़ाए, ताली से मनोबल बढ़ाए, बहुत जबरदस्त मारते हैं भाई। और यहाँ पर फिर से भाई इनका नाम शायद नवीन है और हमें पता चला है। और ये दुखी और ये दबोच लिए गए भाई बजरंग योद्धा की तरफ से, बहुत जबरदस्त रेड। सोनू छोटा हाइट और बड़ा हाइट भाई, ये खिलाड़ी ऐसा है कि लास्ट मैच होते होते रुख बदलता है। और यह चैन टैकल भाई, रोहित दिखा रहे हैं कि हमें आपको रोहित कुछ छाप छोड़ रहे हैं इस गांव में, कुछ यादें रख रहे हैं अपना कि हमें भी खेलना आता है।
छवे मारना आता है, लेकिन कबड्डी में भाई यह भावना नहीं रहता खिलाड़ी को कि खिलाड़ी को चोट लगे। यह दिखा रहा है कि हमारी कबड्डी में मारना आता है। चले रेडर दीपक छह नंबर के जर्सी में भाई, यह खिलाड़ी को परखना चाहिए कि रोहित क्या खिलाड़ी है। और किक का प्रयास, दावा कर रहे हैं कि टच है, क्या टच है। और नवीन है भाई, इनका नाम है शायद नवीन है। और ये कैच कर लिएगा भाई, गजब, बहुत बढ़िया टैकल। हम दिखा रहे हैं कि मैं क्यों नहीं खेल रहा था, मुझे फाइनल मैच खेलना था, फाइनल में हम अच्छा करेंगे। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि छुपाते हैं। और ये टैच नितिन के तरफ से टैच, नितिन भी लगता है कि अपना गेम नहीं दिखाए थे कि हमें फाइनल मैच खेलना है। सभी को फाइनल का तलाश था और कुछ दर्शक भी नहीं दिखा रहे थे अपना चेहरा क्योंकि हमें फाइनल मैच देखना था। और घर पे है तो आ जाइए, फाइनल चालू हो चुका है। अंतिम 10 सेकेंड और अभिराज यह राइट कवर खेलते हैं, लेकिन यह रेड भी लगाते हैं, ऑलराउंडर है अपने टीम के लिए जंप। और ये फिर से नीतीश, इनका गट्सी टैकल जो है यह अपना उसी के काम किए हैं। और फिर से रेडर नवीन, फिर रेडर नवीन भाई, इनका नाम तो नहीं पता था लेकिन शायद अभी पता। और यह फिर से सुपर टैकल भाई, यह तीन टैकल किए हैं, यह दिखा रहा है। अरे अरे भाई, ये दिखा रहे हैं खिलाड़ी कि हमें मारना आता था, अब छुपा कर रखे थे। और ये डैश डैश कर दिए गए नितिन के द्वारा, नितिन भी मौका ये फाइनल में निकाल रहे हैं सब बदला। और फिर से विशाल, 7 नंबर के जर्सी में विशाल रेड करते हुए, यूपी के खिलाड़ी है और हालांकि कहा जाए तो बजरंग योद्धा बिहार है, यूपी बिहार, यूपी बिहार। और विशाल बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, उन्हें पता है कि हमें कब। यह खिलाड़ी डिफेंडर है और इनका परिचय अभी रेड में हो रहा है। इनका नाम है संदीप, क्यूट सा है लेकिन इन्हें खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये क्यूट दिखने में है, खेलने में नहीं। यह खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर खेलता है और बहुत अच्छे अच्छे स्किल अपने अंदर रखे हुए हैं, तो इन्हें क्यूट समझ के ना छोड़े। ये भी दिखा रहे कि हम हैं बिहार के और पहने हुए यूपी के, भाईचारा इसे कहते हैं भाई। यूपी से मैच हो और बिहार का खिलाड़ी यूपी का जर्सी पहना हुआ है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है बात। और वैसे भी हमारे पड़ोसी राज्य है यूपी। और यह फिर से सुपर टैकल भाई, सुपर टैकल पर सुपर टैकल, क्या यह दिखा रहे हैं शुभम आर्यन और संदीप कि हमें सुपर टैकल करना आता है, हम आपको रेड में नहीं पॉइंट लाएंगे, हम आपको सुपर टैकल में मारेंगे। रमाकांत फिर से रेड करते हुए। और फिर से विशाल, 7 नंबर जर्सी में विशाल, यह दिखा रहे हैं कि हमें दोनों तरफ से रेड आता है। और बता दें कि 10 बजरंग योद्धा और 11 यूपी एक पॉइंट से लीड पर, यूपी फेवर में है एक पॉइंट से। और यह नितिन का गलती, हमें आजा भुगतना पड़ा।
कर रहा है और एक पॉइंट लेकर जाना है। और फिर से राइट कॉर्नर पे दिखा रहे हैं कि संदीप नरवाल की तरह उछल रहे हैं भाई, गर्मी दिखा रहे हैं, संदीप नरवाल की तरह उछल रहे हैं, लगता है कि मारेंगे नहीं भाई। और अब आज भी कुछ कुछ हमें सुनने को मिल रहा है हरियाणवी में, तो भाई हरियाणा को हो या ना हो कपड़े पहनने आता है बिहारी को भी। और फिर से रमाकांत सेव करके गए। और अगला रेट थर्ड रेट डुआ डाई करो या मरो भाई, ये डुआ डाई रेट होता है, इसमें पॉइंट लाना है नहीं तो फिर पॉइंट गवाना है। और डिफेंडर सोचते हैं कि इसे पॉइंट नहीं देना है, हमें टैकल पॉइंट बनाना है। फिर से ये बहुत अच्छा रेडर है। अंतिम 10 सेकेंड 9 8 7 6 5 4 रेडर रेडर। और फिर से 5 नंबर के जर्सी में रमाकांत रेड पर, ये भी खिलाड़ी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, हालांकि इन्हें हाइट रहता तो वो और भी अच्छा दिखा रहा था। यह स्टीप स्किल सब कुछ है इसके अंदर। और 7 नंबर के जैसे में विशाल, ये भी खिलाड़ी अच्छे हैं। और थर्ड रेट डू और डाई रेट बजरंग योद्धा का भी एलआर बच चुका है, डू और डाई या एलआर बच चुका है डुआ डाई का। और यह दीपक है और कैच कर लिए गए भाई, सिंपल सा कैच। और पहला हाफ का बाद 1 मिनट समय बच चुका है, इसके बाद कोर्ट को चेंज कर दिया जाता है। और बहुत बढ़िया टैकल फिर से संदीप दिखा रहा है कि हमें भूलिएगा नहीं भाई, दोनों का टक्कर है, लेफ्ट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर भाई, यूपी और बजरंग योद्धा दोनों का खिलाड़ी जो है लेफ्ट कॉर्नर वो बेहतरीन खेलते हैं, वो दिखा रहे हैं कि हमें भूलिएगा नहीं नितिन। और संदीप दिखा रहे हैं कि हमें भूलिएगा नहीं, वो सोच रहे हैं कि हम आपसे अच्छे खेलते हैं। हाफ टाइम का यह लास्ट रेट अंतिम रेड है पहला हाफ का। और संदीप का यह टैकल बहुत बेहतरीन है, संदीप का यह टैकल बहुत बेहतरीन है। और फिर से स्टार्ट हो चुका है। और रेड पर रोहित राइट कॉर्नर खेलते हैं लेकिन रेड भी लगाते हैं। अब दिखा रहे हैं फाइनल मुकाबला में, ये दिखा रहे हैं कि हमें रेड भी आता है। यह फाइनल का गर्मी है भाई। और आज भगवान ने भी दिखा दिया कि हमें हमारे पास भी गर्मी है, हमें बदले और फिर गर्मी आ गया। और हमारे अतिथि समाज से भी विवेक कुमार और मुख्य अतिथि जीवन कुमार जो आए हुए थे दिल्ली से, वो चले गए हैं। और यह लीडर छोटे हाइट का है, छोटा नहीं समझना चाहिए क्योंकि और मिडलाइन कबड्डी जो हरियाणा में एकेडमी है, यह उनका जर्सी पहने हुए है। और यह रमाकांत 5 नंबर की जर्सी में, रमाकांत रोहित, क्या गजब का मैचिंग है भाई। राइट से रेड करते हैं, राइट कॉर्नर लगाते हैं, रोहित रमाकांत राइट से रेड करते हैं। और थर्ड रेड डू और डाई रेड डू और डाई करो या मरो, कबड्डी में ही देखने को मिलता है कि करो या मरो, इसे हम डुआ डायरेक्ट कहते हैं। और डिफेंस को इसमें रहता है संयम बरतना।
और ये सही में ये तोड़ चुके हैं इसे, इसका भी थर्ड हुआ डायरेक्ट दीपक। अलार्म बज चुका है, यह संकट की घड़ी में फंस चुके हैं और बहुत जबरदस्त शॉट लगा था लेकिन निकल चुके हैं। और हालांकि यह खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर खेलता है और रेड करने आया नितिन। यह खिलाड़ी एग्रेसिव है लेकिन भाई पॉइंट बनाता है, भाई टैकल बनाता है। नितिन और संदीप का टक्कर है, वह सोच रहा है कि हमें अच्छा खेलने आता है। लेफ्ट कॉर्नर रेड फिर से दीपक, जो अगला बार पॉइंट लेके गए थे भाई डुआ डायरेक्ट में, और फिर से चले हैं 6 नंबर के जर्सी में और फिर से पॉइंट लेके आए भाई। इस बार तो नितिन को ही बाहर करें और फिर से मिडलैंड कबड्डी अकेडमी का जर्सी पहना हुआ खिलाड़ी, छोटा हाइट का है और संदीप नरवाल की तरह रेड मारते हैं बिल्कुल रनिंग करके। और ये टांग लिए गए भाई गजब, गजब का पीछे से सपोर्ट आया संदीप का और रमाकांत रेड में और 1+2=3 पॉइंट इसे कहते हैं। कबड्डी अकेडमी के यह रेडर छुपा हुआ था, हालांकि 3 नंबर के जर्सी में रेड नहीं कर रहा था और बोनस का प्रयास, बोनस मिला, बोनस है और 5 नंबर के जैसे में फिर से रमाकांत। रमाकांत भी अच्छे खिलाड़ी है भाई और ये चैन में डुबो लिए गए जेडी कबड्डी अकेडमी के खिलाड़ी 15-20 योद्धा। हालांकि एक प्रो कबड्डी में टीम है यूपी योद्धा लेकिन यहाँ पे चेंज है, यूपी अलग योद्धा अलग। जेडी कबड्डी अकेडमी के खिलाड़ी 3 नंबर के जर्सी में अटाय मारने का प्रयास लेकिन सफल रेडर 1 पॉइंट निकालता हुआ। दीपक और रोहित में टक्कर रहेगा क्योंकि यह राइट से रेड करते हैं और वह राइट कॉर्नर लगाते हैं और कवर, क्या गजब का टैकल किया है भाई, चैन लगाए ले रहे भाई, मैं भी खिलाड़ी हूँ, यह दिखा दिए अपना जहर। और जितने भी मैच हुए हैं उन्हें बाद में अगर जो देखना चाहते हैं तो नवी बिहार के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं और 2 पॉइंट नवी बिहार के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा आपको, तो बाद में आप घर पे भी देख सकते हैं इस वीडियो को और गांव वाले तो देखेंगे ही। और यह रोहित का पीछे से बहुत ही जबरदस्त योद्धा 20 और अब 8.5 मिनट का टाइम है इस मैच में और ये गैप खाली कर दिए। क्या यह सुपर रेड देखने को मिलेगा नवी बिहार के यूट्यूब चैनल में। और फिर से रेडर, यह रेडर अपने टीम को फाइनल के मुकाबले में लेके आए हैं और यह खिलाड़ी बहुत अच्छे खिलाड़ी है, यह दावा भी रखते हैं कि फाइनल भी जीत सकते हैं हम, लेकिन संदीप इनका काम बनने देगा तब ना। संदीप धूल लड़का ब्यूटीफुल लेकिन यह सिर्फ देखने में है, बहुत खतरनाक मारता है भाई, ग्रिप है इसके पास, डाई है, सारा स्किल इसके पास छुपा हुआ है। और फिर से दीपक गोल्ड मेडलिस्ट और यह दिखा रहे हैं कि हम क्यों गोल्ड मेडलिस्ट योद्धा 22 यूपी। यह स्कोर उतार चढ़ाव हो रहा है बिल्कुल सीढ़ी की तरह, जिसे छत में सीढ़ी होता है तो आप उतरते चढ़ते हैं वैसे ही हो रहा है ना जाने का। और कौन इस सीढ़ी को रोकेगा, हालांकि कुछ क्षणों बाद आपको वह देखने को मिल जाएगा।
और यह दीपक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है भाई। अभी यह अपना परिचय दे रहा है कि हाँ हम क्यों गोल्ड मेडल लाए हैं बिहार के लिए। जोरदार ताली बजाते भाई इसके लिए। और यह बेसोल्ड भाई और फिर से तीन नंबर के जर्सी में रेडर जेडी कबड्डी अकेडमी के खिलाड़ी है यूपी यूपी की तरफ से रेड। ये था गए टीम में और यह खिलाड़ी सोच रहे कि हम टाइम काट के जाए। एक मिनट का खेल अब रह चुका है। अब आया है सोनू। इतने देर बाद देखने को मिले हैं, क्या पता यह कुछ रणनीति है, साजिश है जीत के लिए। यह खिलाड़ी ऐसा खिलाड़ी है जो कभी भी गेम को पलट सकता है या सिर्फ देखने में छोटा है। और फिर से तीन नंबर के जर्सी में खिलाड़ी और हमारे रेफरी गौर करके देख रहे हैं, आंखें फाड़ के देख रहे हैं उसको। नींद लग रही है तभी आंखें फाड़ के देख रहे हैं क्योंकि फाइनल का बात है। और ब्लॉक कर दिया गया भाई, उठा के फिर नहीं है। और फिर से सोनू, फिर से सोनू सुपर टैकल में गए हैं। सुपर टैकल ऑन है और 5 मिनट रह गया है और दावा कर रहे हैं टच का। भाई मिला टच है और 8 नंबर जैसे कि खिलाड़ी उत्तर प्रदेश का यह खिलाड़ी है। और इन्हें संयम रखना है डिफेंस को और इन्हें पॉइंट चाहिए। रेडर को पॉइंट चाहिए, डिफेंडर को संयम। और यह जंप अच्छा लगाया था लेकिन सपोर्ट आया पीछे से संदीप। और फिर से रमाकांत योद्धा 30-24 यूपी। और 3.5 मिनट समय रह चुका है और टाइम को किल कर रहे हैं। अब आपको कुछ न कुछ अलग दिखाना पड़ेगा। बोल सकते हैं ना। अरे रेडर, ओहो हो, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। और अंतिम तीन मिनट रह चुका है यह मैच का। रमाकांत सोच रहे कि क्यों ना बहती गंगा में हाथ बहाई जाए, क्यों ना हम भी टाइम को काटे। और फिर से यह रेडर चला फुर्ती के साथ, फुर्ती के साथ यह रेडर चला है। और फिर से 1 पॉइंट लेके गया, रमाकांत को बाहर किया। और दू और डायरेक्ट 100 है। फिर से दीपक फंस चुके हैं जाल में, ना जाने क्यों इन्हें ही भेजा जाता है डुआ डाई। क्या ये स्पेशलिस्ट है डुआ डाई का, इन्हें ही भेजा जाता है संकट के घड़ियों में। और यह पॉइंट निकाल के आता है यह लड़का भाई, टच का दावा किया है। और 27-30 स्कोर। आर्या बहुत सुंदर टैकल किया आर्या ने। और देख और यह खिलाड़ी टाइम को काटने गया है और इन्हें हमें लगता है कि अटैक रोक दिया गया है। यह बात से नहीं हुई तो बलजबरी सोच रहे हैं। और यह टच मारे हैं भाई, रोहित को टच लगा
बहुत बढ़िया बेहतरीन खिलाड़ी डिसिप्लिन, इसी को कहते हैं टच लगा दीजिए। और अंतिम एक मिनट, अंतिम एक मिनट का समय और कैच कर लिए गए। भाई ये भी खिलाड़ी बहुत स्ट्रगल किए हैं भाई मैच के पहले। और फिर से रेड में रमाकांत, रमाकांत रेड में, और 40 सेकेंड धीरे धीरे कमते जा रहा है सेकेंड, क्योंकि मिनट नहीं है जो बोल सकते हैं हम, सेकेंड सेकेंड है। और अंतिम 10 सेकेंड, और रेड में चले यूपी के खिलाड़ी 7 नंबर के जर्सी में विशाल, और इन्हें भी खींच लिया गया है संदीप के तरफ से। और इस मैच का अंतिम रेड और क्या यूपी को शिकस्त दे दिया है योद्धा, यूपी को शिकस्त दे दिया है योद्धा। भाई यह दिखा दिए कि हम योद्धा हैं। जोरदार तालियों से खिलाड़ी को मनोबल बढ़ाएंगे टीम को। और यह अंतिम रेड था और मैच समाप्त हो चुका है और यह था चैंपियन हो चुका है। और इस मैच को फाइनल मैच का 35-27 यह दिखा दिया कि भाई योद्धा है, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी।